हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, इस वाले ब्लॉग में हम अभी जा रहे हैं ईद का शॉपिंग करने के लिए। तो मेरे साथ यहां पे जा रही है मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी। तो अभी सब कोई मिल के जाएंगे और ईद का शॉपिंग करेंगे। तो अभी मैं घर से निकलने ही वाला हूं और ये मैंने अपना बाइक का की ले लिया है और उधर मैंने अपना बाइक रखा है। तो चलिए अब घर से निकलते हैं और मेरी बहन और अम्मी लोग भी अभी रेडी हो रही है। तो चलो मैं अभी जा करके तब तक अपना बाइक निकालता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने अपना बाइक वाइक सारा कुछ निकाल लिया है और अब बस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अपना अम्मी अब्बू से मिलाओ, अपना फैमिली से। तो ऐसे नहीं मिलाएंगे, जब 1K कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिलाएंगे। तो जल्दी से 1K करा दीजिए। तो गाइस, मैं जिक्र कर रहा था कि अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो चलो यहाँ से निकलते हैं और इधर बाइक वाइक रहा सब कुछ। अभी हम सब पहुंच गए हैं दुकान में और मम्मी तो बहुत बड़ा झोला लेकर के आई है, लेकिन हम लोग को अपना शॉपिंग करने के लिए अपना बजट को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा शॉपिंग कर ले 1-2 लाख का और फिर उसका EMI भरते भरते अगला बार ईद आ जाए, ऐसा नहीं करना है। तो जितना बजट रहेगा उतना हिसाब से ही हम लोग अभी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो मम्मी अभी यहाँ पर सूट सब पसंद कर रही है और मेरी बड़ी सिस्टर भी उधर से आ रही है बड़े अब्बू के साथ में, तो अभी वो भी आएगी और वो भी शॉपिंग सब करेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर। अभी आ गए हैं दुकान से शॉपिंग करके और बहुत ही ज़्यादा पैसा भी लग गया, बट कोई नहीं, ईद का पूरा शॉपिंग हो गया कंप्लीट। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि मैंने पहले ही खरीद लिया है। ये सब चीज़ में मैं लेट नहीं करता हूँ, शुभ काम में देरी नहीं। और रही बात शॉपिंग की, तो उसमें तो सबसे आगे ही रहता हूँ, तो इसीलिए मैंने पहले ही खरीद लिया है सब कुछ। तो गाइस, इस वाले ब्लॉग में इतना ही। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।